कैसा लगता है कि बालू की तरह हमारी हाथ से हमारा हक अधिकार, हमारी एकजुटता फिसलती चली जा रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे कि वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, 2022 तक सबको घर दे देंगे, तमाम तरह के झूठे वादे किए, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो लिहाज कर। कि माना कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। सभी सम्मानित अतिथिगण और इस दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। साथियों, आज जिस परिस्थिति और जिस माहौल में हम इस देश के वंचित शोषित कमेरा लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, वी द पीपल पैगाम के इस मंच पर, इस आयोजन में, वो माहौल, वो देश की हालात बहुत मुश्किल और चुनौतियों भरे हैं। जिन वजहों से, जिन रास्तों से चलकर हमारे जैसे लोग देश के गांवों से निकलकर यहां तक पहुंचे, वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मगर ऐसे वक्त में जब चारों तरफ निराशा का माहौल हो, लोग ये सोच रहे हो और आपस में बात कर रहे हो, कैसा लगता है कि बालू की तरह हमारी हाथ से हमारा हक अधिकार, हमारी एकजुटता फिसलती चली जा रही है और हम उसे रोक नहीं पा रहे। मुझे दिल्ली के रामलीला मैदान का ये मंच एक उम्मीद की तरह नजर आ रहा है कि तमाम तरह से अलग अलग जिन्हें समझा जाता है, वो बहुजन वंचित शोषित समाज के लोग इस सभागार में, इस मंच पर और इस पंडाल के सामने इकट्ठा हो गए हैं। मुझे यहां से भी एक उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है, इसलिए मैं निराश होने की बजाय उम्मीदों से अपनी बात शुरू करता हूं। उम्मीद इस सवेरे की, जिसकी रोशनी यहां जो तीन आदमकद मूर्तियां खड़ी हैं, वो यूं तो मूर्ति है, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की, और 6-7 दिसंबर का दिन, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को वो लोग भी मजबूरी में ही सही याद करते हैं जो अपने दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रखते हैं। आप अपने पुरखों के उस कद को महसूस करिए जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया, मुल्क की आजादी के बाद उन पर किताबें नहीं छापी गईं, इस देश में उन पर कुछ पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिली, विश्वविद्यालयों में शोध नहीं हुआ। गोया बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो जाएंगे, फूले खत्म हो जाएंगे, बिरसा मुंडा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के किसी भी कोने में हक हुकूक के लिए कोई भी आवाज अगर उठती है, तो उन आवाजों में प्रेरणा स्रोत के रूप में भारत के संविधान के साथ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार एक नजीर, एक उदाहरण बनकर के हमारे सामने है। मिटाने वाले मिट गए और आज उम्मीदों का नया सूरज हमारे सामने। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितनी आबादी हमारी है, जितना हक मौका हमारे पास है, उससे तो इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के वंचित शोषित कमेरा लोगों को होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक ठेके पर प्रोफेसर हूं,
अब इस समय ठेके की बात क्या करना, जब इस समय इस देश में ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाएं जिन्होंने इस देश को यह भरोसा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक एक करके उन सारी चीजों को बेच दिया निजी हाथों में जो इस देश ने 70 साल में कमाया था, जैसे तैसे भी कमाया था, उसे चाय बेचते देश में किसी ने नहीं देखा, मगर देश बेचते इस देश के हर लोग देख रहे हैं, फिर भी ये मुल्क की आवाम खामोश है। मुझे अफसोस है इस मुल्क के लोगों के ऊपर कि उसने धोखा दिया, झूठ बोला। दुनिया इस देश ने बहुत बुरे प्रधानमंत्री देखे, मगर इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं हुआ था, खुलेआम झूठ बोलना। और वही झूठ बोला था उस प्रधानमंत्री ने कि मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री तब बन पाया जब बाबा साहब और उनका संविधान था। अरे भाई, अगर तुम बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाते, बिरसा और फूले के सपनों का, पेरियार के सपनों का भारत बनाते। तुम तो जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर को रखते हो, बिरसा फूले को, और दिल में गोडसे और गोलवलकर का भारत बना रहे हो। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, इस देश में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, और आज ही सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है यह देश अब अमृतकाल की तरफ जा रहा है, एक नया सवेरा है। मैं उससे यहां रामलीला मैदान से यह सवाल करता हूं, किस बात का सवेरा और किस बात का अमृतकाल? क्या इस मुल्क को इस बात के लिए विचार नहीं करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, 2022 तक सबको घर दे देंगे, तमाम तरह के झूठे वादे किए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, और ऐसा करते करते उस बेचने वाले ने सबसे पहले सपनों को बेचा और उसके बाद एक एक करके आपके हक अधिकार की जगहों को बेच दिया। तो किस बात के तुम प्रधानमंत्री, और कौन सा ये नया भारत है? मेरा सवाल यह है, हमी को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमसे ही पानी का हिसाब मांगते हैं। आज तक तो कभी आपने इन तालीमी इदारों में, देश के विश्वविद्यालयों में बहुजनों को पहले आने से रोका? मैं एक ही विषय पर बात करूंगा कि इस पूरी वंचना में सबसे ज्यादा भूमिका भारत के संविधान के कमजोर किए जाने की कैसे है। और चूंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं तो मैं ये बात कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में सबसे पहले तो हमारे लोगों को आने नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर हो, फूले हो, पेरियार हो, इन सब ने जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, कलम और किताब की लड़ाई लड़ी थी, कि अगर पीढ़ियों को कलम और किताब हाथ में पकड़ाएंगे तो वो केवल अपना मुस्तकबिल ही नहीं, इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल कर रख देंगे। आए कुछ लोग विश्वविद्यालयों में, रिजर्वेशन तो 1997 में हायर एजुकेशन में आया, मंडल का दौर आया तो मंडल का विरोध करने वाले इन विश्वविद्यालयों, मीडिया घरानों और देश के बड़े बड़े संस्थानों में बैठे एलीट अपर कास्ट लोग जो अंग्रेजी बोल करके सोचते थे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने आपके बच्चों के आरक्षण का विरोध किया था। अभी एक वीडियो अभी वायरल हुई, पटना का एक जज, अब विडंबना देखिए, एक दिन दो दिन पहले की वीडियो है कि वो जज जब ये कहता है कि भाई क्या सबके घर पे बुलडोजर चला दोगे, कानून का राज नहीं है क्या, तो वो जज इस देश के तमाम प्रगतिशील लोगों को बहुत पसंद आता है, एक नायक बनकर है कि चलो भाई सारे जज बिके नहीं है, सारे कोलेजियम से आकर के अपने रिश्तेदारों को जज बनवा करके सरकार की हां में हां मिलाकर न्यायपालिका को इस कार्यपालिका का गुलाम नहीं बना दिए,
सारे जज राम मंदिर का फैसला आज सुनाएं कल राज्यसभा की शपथ लें, ऐसे नहीं हो गए। कुछ जज अच्छे भी हैं जो अच्छा फैसला सुना रहे हैं। सबने सर आंखों पर बिठाया। और जब उसी जज की एक वीडियो आई कि एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसके ऊपर वो पटना हाई कोर्ट का जज कहता है, क्या भाई आरक्षण से आए हो क्या? और उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में एक ठहाका लगता है। यह है आजादी के अमृत महोत्सव मनाने वाले मुल्क की हकीकत। अब आप कहते हैं कि भाई हम लोग ये शिकायत करते हैं अपने गांव के लोगों से, कम पढ़े लिखे लोगों से, कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो वो पाखंड में बसी हैं, वो कांवड़ हो रहे हैं, वो अंधविश्वास में जी रहे हैं, और जब पढ़ लिख लेंगे तो समझदार बन जाएंगे। इस जज को जो जज बना है, पता नहीं कॉलेजियम से ही बना है, किसी की रिकमेंडेशन से बना होगा, वो इतना पढ़ लिख करके उस ओहदे पर बैठकर जब आरक्षण का मजाक बना सकता है तो कल्पना करिए, एम्स से लेकर के देश के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर कितना अपमान जलील हुआ होगा आपके अपने समाज का एक एक शख्स जिसको मेरिट के नाम पर धुतकारा गया। जब इस देश में करोड़ों रुपए दे करके कोई डॉक्टर बना तो उस पर कोई चुटकुला नहीं बना कि इसने सीट खरीद करके डॉक्टर बन करके पेट में कैंची छोड़ दी हो, लेकिन अगर कोई आरक्षण से डॉक्टर बना तो लोगों ने मजाक बनाया है। अगर किसी ने आरक्षण से नौकरी ली तो इस देश के कुलपति प्रिंसिपल नहीं बनाया गया कि भाई कोटे से आया है, और जब 10% सुदामा आरक्षण आया तो वो सारे चुटकुले बंद हो गए। ये कौन सा देश है भाई? और मेरिट की बात करने वाले, उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में शेड्यूल कास्ट की मेरिट जाति कट ऑफ 35 नंबर और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जाति कट ऑफ 3 नंबर, यानी जो मेरिट वाली थे मुखस से जाए थे ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिया, जो मेरिट के नाम पर आरक्षण वालों को गाली देते रहे, जब एक ओपन एग्जाम हुआ और ईडब्ल्यूएस का बैसाखी भीख उन लोगों को मिली तो शेड्यूल कास्ट वाले लोगों से 20 गुना नीचे मेरिट निकली। ऐसे जमूरों ने हमारे लोगों को अपमानित किया है। और इसलिए मैं केवल एक गुजारिश करने आपके बीच में आया हूं, इन नकली लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये झूठे लोग हैं जो इस देश के 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय तो इस समय हैं। इस देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने जाता है तो कहता है कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, ओबीसी लोग मुझे वोट दें, और दे भी रहे होंगे बहुत सारे ओबीसी लोग। मैं तो उससे एक सवाल पूछता हूं, हरमंच से जाकर सवाल पूछता हूं, चलो छोड़ दो ओबीसी होने के बाद भी हम तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते कि तुम छत्रपति शाहू जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर लोहिया और तमाम लोगों को जानते होगे। हम तो तुमसे उम्मीद भी नहीं करते क्योंकि मेरे विश्वविद्यालय से पढ़े हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हो और उसकी भी डिग्री तुम्हारी झूठी है, इसलिए हम तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। बन गए प्रधानमंत्री, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस मुल्क के किसी भी कोने में जाकर तुम कहते हो कि तुम ओबीसी हो तो इस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए तुमने 8 साल में एक बार भी मंडल कमीशन का अगर नाम लिया हो तो मुझे बताओ, तब मैं मानूंगा कि तुम असली ओबीसी हो। ये गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार के वारिस जब मौका मिलता है तो 80% हिंदुओं एक हो जाओ कहते हैं, और जब वोट लेना होता है तो ओबीसी नाम लेते हैं। मंडल कमीशन आया तो मंडल के विरोध में कमंडल लाने वाले लोग कौन थे? मंडल किसके लिए आया था भाई? और इसके मंडल के विरोध में सरकारें गिर गई। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक है, बहुत बड़े बड़े लोग यहां पर बैठे हैं, बहुत अनुभव है भाई। हमारे जैसे लोगों के पास क्या है? दिल में जो है वही जबां पे है और कोई खास बात नहीं हम में, इसलिए हम यहां सच बोल रहे हैं। और ठेके पे प्रोफेसर होने के बाद भी हम जानते हैं कि इतना बोलने के बाद कोई प्रोफेसर की नौकरी क्या ही देगा। जब झंडे वालान से तय हो जाए कि वाइस चांसलर कौन बनेगा तो हमको पता है कि हमारा सच क्या है। लेकिन मैं केवल इसलिए यह बात बोलता हूं कि मैं इस मंच पर खड़े होकर के भी वही सच दोहरा रहा हूं। कल था 6 दिसंबर और अपने पुरखों को याद करते हुए कह रहा हूं,
अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं आज आजमगढ़ जैसे गांव में जाकर जिले में कहीं भैंस गाय चरा रहा होता, मैं इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कभी नहीं बन पाता। तो अपनी मेरिट के दम पर तो यहां तक आ गए और अब तुम्हारे भरोसे भीख मांग करके या झंडे वालान में घुटने टेक करके तो नौकरी मांगने नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई, बहुत सारे लोग एससी एसटी ओबीसी घरों के वाइस चांसलर बने बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, मगर मैं याद करता हूं कि बड़े बड़े परमानेंट लोगों को कोई नहीं जानता, बड़े बड़े ओहदे पर मिनिस्टर और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट को कोई वो सम्मान नहीं देता जो मुझे और इस मंच पर बैठे हुए संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मान मिलता है। मुझे ऊर्जा केवल इस बात से मिलती है, ऐसे लोगों के बीच आकर के मिलती है कि हम जब आंख बंद करें तो इस बात का अफसोस ना हो कि जिस सीढ़ी पर चलकर हम संविधान और मंडल कमीशन से होकर यहां पहुंचे, हमारी आंखों के सामने जब उन सीढ़ियों के एक एक डंडे तोड़े जा रहे थे तो हम खामोश नहीं बैठे थे, हम बोल रहे थे, हम जानते थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि देखो इस देश में हिंदू के नाम पर एक झूठ फैलाया गया। कोई हिंदू नहीं है भाई, अगर हिंदू है तो पहला हिंदू वो जितेंद्र मेघवाल क्यों नहीं था जिस बच्चे को मटका छूने पर मारा किसी मुसलमान ने नहीं मारा था। इंद्र मेघवाल को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, रोहित वेमुला पाल तड़वी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। और ये नमूने टीवी पर बैठकर बिकी हुई मीडिया और बिके हुए अखबार से कहते हैं कि इस देश के हिंदू एक हो जाओ तुम्हारे मुसलमानों से तुम्हें खतरा है। मैं आपसे केवल एक गुजारिश करने वाला हूं और वो सब आप जानते हैं। मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन करने वाला मुसलमान था क्या? जब हायर एजुकेशन में 2006 में मंडल पार्ट 2 लागू हो रहा था तो उसका विरोध दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू और एम्स में खड़े होकर मुसलमान कर रहे थे क्या? अरे भाई, मंडल का लाभ, आरक्षण का लाभ इस देश के उन्हीं एससी एसटी ओबीसी को ही तो मिलने वाला था, तो मंडल के विरोध में कमंडल कौन लेके आया, मंडल के विरोध में रथ यात्रा कौन लेके चला? और इसलिए आज भी कह रहा हूं, अगर इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, 27 कैबिनेट मिनिस्टर इसने ओबीसी बना दिए, तो एक बात बताओ, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन, एजुकेशन रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, वित्तीय निगमों की स्थापना, ये सारी तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन है। एक झूठा ओबीसी प्रधानमंत्री अगर आज भी सच्चे में डॉक्टर अंबेडकर और मंडल को याद करता है तो आज ही घोषणा करे कि जाति जनगणना कराएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करेगा। हमारी ये मांग होनी चाहिए और इस मंच पे यही मांग है। पूरा देश को बेच रहा है, पूरे देश को बेचते बेचते कभी मां के साथ तस्वीर, कभी एम्बुलेंस निकल रही है भाई उसकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए, देखा होगा आपने एसपीजी की सिक्योरिटी में कोई गाड़ी नहीं जा सकती, एम्बुलेंस जाती है जिसमें कैमरा लगा होता है। वोट डालने जा रहे हैं तो वहां पर रैली कर रहे, पूरे देश को एक हिप्नोटाइज कर लिया है। पता है क्यों कर लिया है? क्योंकि उसे पता है कि इस देश के 90% कमेरा लोग अभी भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे। और यह आखिरी गुजारिश मेरी है, बहुजन आंदोलन में तमाम खामियां होंगी, मैं इन खामियों को गिनाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम उम्मीद की रोशनी की तरह क्या देख सकते हैं? अब सब कुछ बेचने वाले लोग, सब कुछ को खत्म किया जा रहा है तो आपके पास बचाने के लिए क्या है? कोविड में जब सारे सरकारी अस्पताल जान बचा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल बंद थे, फिर भी एक एक कर सरकारी अस्पतालों को बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, एक एक करके सारी चीजें बेच दी हैं। ये वी द पीपल के लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई ठेके में कोई रिजर्वेशन क्यों नहीं है, इस देश के 90% लोगों के पास 90% जमीन क्यों नहीं है? और आखिरी चीज उसमें जोड़ लीजिए, नई शिक्षा नीति के चलते 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसने आपके बच्चों की शिक्षा को हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं अंबानी और अडानी के निजी हाथों में बेच दिया है और हमारे और आपके बच्चों को अब कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली है। यह इस देश में हो चुका है। संविधान बचा रहेगा,
संविधान दिवस के दिन कितना भी बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हो, कितना भी कोई रबर स्टाम्प कोई भी मंत्री विधायक बना दिया जाए, वो संविधान की शपथ लेंगे, संविधान के अंदर के जितने अधिकार हैं वो खत्म कर दिए गए। और इसलिए नई शिक्षा नीति आप गांवों में जाकर देखिए, सरकारी स्कूलों में किन के घरों के बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा 90% कमेरा लोगों के घरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां न इमारत है न शिक्षक है, तो शिक्षक की जरूरत नहीं है। और सिलेबस बन रहा है नया नया, कुछ दिनों बाद आप किताब में पढ़ेंगे जैसे सिनेमा बन रहा है, पता है ना, कुछ जो टीवी एक्टर सिनेमा के एक्टर विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद, और कभी ना अपने गुटखा खाते हैं ना अपने बच्चों को गुटखा खाते खिलाते हैं, और पूरे देश के लोगों को गुटखा खिला रहे हैं, पान मसाला खिला रहे हैं कि नहीं। वैसे ही उनके घरों के बच्चे अशोका गलगोटिया एमटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और आपके बच्चों के लिए जो डीयू जेएनयू जामिया इन विश्वविद्यालयों में जहां की नाम मात्र की फीस थी, पहली पीढ़ी के हम लोग आए और पूरे विश्वविद्यालय को बेच दिया। हमारे भोजपुर में कहावत है, खेलब न खेले देव खेलब बिगारब। अब जो हमारे जो 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 रिजर्वेशन का विरोध किया नहीं रोक पाए, पहली पीढ़ी के लोग प्रोफेसर बन गए नहीं रोक पाए, पहली पीढ़ी के लोग आकर के इन विश्वविद्यालयों में खड़े होकर 13-point रोस्टर का विरोध करते हैं, भारत बंद करते हैं, नहीं रोक पाए। जब नहीं रोक पाए तो पूरे विश्वविद्यालय और स्कूलों को अंबानी अडानी का तो बेच दिया। इसलिए वंचित शोषित कमेरा लोगों, मुल्क के 90% आवाम, मैं आपसे केवल एक गुजारिश करने आया हूं, अधिकतम सहमति मत बनाइए। उनके लोग आपके बीच में आते हैं और कहते हैं ओबीसी का सारा हक इन तीन जातियों ने खा लिया, इसलिए तुम हमारे साथ आओ। शेड्यूल कास्ट में सारा हक इन जातियों ने खा लिया, तुम हमारे पास आओ। अरे भाई 8-10 साल हो गया उधर गए, एक बार देख लो लाठी और जेल के अलावा कुछ मिला क्या, कुछ मिला क्या? अरे भाई 100 रुपया लीटर पेट्रोल बिकेगा तो केवल मुसलमान खरीदेगा कि उसमें SC ST ओबीसी भी खरीद रहा है? अगर 200 रुपया लीटर पेट्रोल और सरसों का तेल, 1200 रुपये पे जो LPG गैस, महंगाई बेरोजगारी, करोड़ों करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, शिक्षा के तालीमी इदारे बर्बाद कर दिए गए, तो हमारे भी बच्चे मारे जाएंगे ना। तो ये जो दुश्मन हमारे बीच से हमारे सामने खड़ा किया जाता है और हमारे ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो लिहाज कर। और मैं उम्मीद की तरह अपनी बात को खत्म करूंगा केवल यही कि माना कि स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मीडिया बिक गई थी तो ये बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जबान को अखबार और अपने हाथ में कलम और यूट्यूब चैनल का एक वीडियो बनाने का जिम्मा लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया को दोयम दर्जे का बना दिया और घर घर अपनी आवाज बुलंदी से पहचान रहे। गांव में हम जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि साहब आपको सुनते हैं तो बड़ी हिम्मत मिलती है। सच कहें तो हम तो डरे हुए लोग हैं। जब हमारे गांव में कोई व्यक्ति मुझसे कहता है जिसे मैं नहीं जानता कि आपकी वो पाठशाला मैंने सुनी थी, मुझे हिम्मत मिल जाती है कि बाबा साहब के समय तो बड़ी मुश्किल से जनता प्रबुद्ध भारत मूक नायक निकालना पड़ा, बंद हो गए अखबार, फूले साहब का अखबार बंद हो गया, अकेले थे ये लोग, लड़कर हमें यहां तक पहुंचा दिया। आज इतने लोग खड़े हैं और इस मंच को देखिए, बहुत अरसे बाद दिल्ली में इतना बहुरंगी समावेशी और ताकत का मंच बना है। मैं यहां एक उम्मीद की तरह एक बात कहकर जा रहा हूं, बाबा साहब की मूर्तियां बनवाने वाले, जोर से जय भीम बोलने वाले आपको झूठ बोल करके आएंगे ताकि गोट से गोलवलकर हेडगवार के संघ के भारत को बना ले जाएं। उनसे सजग रहिएगा और उनसे एक बात कहिएगा, तुम मूर्तियां बना रहे हो डॉक्टर अंबेडकर की, अच्छी बात है। अरे भाई इस देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर तोड़ी गई तो वो भी डॉक्टर अंबेडकर की थी। क्या मूर्ति तोड़ने से डॉक्टर अंबेडकर का कोई नुकसान हुआ? तुमने एक मूर्ति तोड़ी और 10 नए अंबेडकर के वारिस खड़े हो गए और आज ये अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, शिक्षा बचाने के लिए,
रोजगार बचाने के लिए। शौचालय और देवालय की राजनीति का एक ही जवाब है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बचाओ, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाओ, शिक्षा और रोजगार को बचाओ, वरना इतिहास बदल दिया गया है। सिनेमा बन रहा है ना कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था, चार हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, झूठे एक किताब लिखी गई और उस पे सिनेमा बना दिया और इतिहास बदल दिया। कल को सिलेबस में पढ़ाया जाएगा कि एक आदमी जब बचपन में बहुत छोटा था, तालाब में भगवा झंडा डूब रहा था, तालाब में कूद गया वो बच्चा, भगवा झंडा को ले आया और मगरमच्छ के बच्चे को भी बगल में दबा कर ले आया। कुछ दिन बाद वो बच्चा भीख मांगने चला गया, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा, 35 साल तक तपस्या किया, उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 10 लाख का सूट पहना, करोड़ों रुपए के जहाज में चलता है, लाखों रुपए उसके प्रचार पर खर्च होता है, पूरे देश को बेच दिया और फिर भी झूठ बोला। मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। मैं आपसे कहता हूं, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा? इसलिए आखिरी गुजारिश, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाइए, छोड़ दीजिए कुछ चीजों को, वो नहीं सुधरेंगी। लोग कहते हैं इतने संगठन हो गए, अरे भाई सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती है। इसलिए मैं तो ये खुश होता हूं कि जितने संगठन हो गए उतनी जगह पर बातें मनाई जा रही है। तो एकजुटता मुद्दों पर हो, एससी एसटी ओबीसी की एकजुटता इस बात में बनेगी कि ओबीसी के घरों में जाकर मुझे भी समझाना है कि भाई तुम्हारे जज नहीं, तुम्हारे प्रोफेसर नहीं, तुम्हारे डॉक्टर नहीं, तुम्हारे अंबानी अडानी तुम्हारे घर में नहीं, ये उद्योगपति हैं ये तुम्हारे घर में नहीं, ब्यूरोक्रेट तुम्हारे घर में नहीं, क्योंकि जाति तुम्हारी ओबीसी थी। दलित का शोषण भी जाति के नाम पर, ओबीसी का शोषण भी जाति के नाम पर। आदिवासियों को जा रहे हिंदू बनाने, वनवासी कहने, आदिवासियों के बीच में राजस्थान पिछले दिनों गया और वो आदिवासियों को कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे नेता नहीं है, और लाखों लोगों की भीड़ में सबसे केंद्र में जो उन्होंने तस्वीर लगाई थी वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगाई थी। तो ये नफरत के सौदागर हमें तोड़ रहे हैं, हम मोहब्बत के लोग हैं। हमारे पुरखों के हाथ में कलम और किताब थी, हमें भी मोहब्बत से इस देश में नफरत को रोकना है। भारत का संविधान और मंडल कमीशन में जब तक थोड़ी भी असर बाकी रहेगी और एक उम्मीद की तरह से 1-1.5 साल बचा है, कम से कम उतना भारत बचा लीजिए, उतना संविधान बचा लीजिए, उतना मंडल कमीशन की रिपोर्ट बचा लीजिए जितना हमें विरासत में मिला, वरना आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी ये सब कुछ हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, मैं कम से कम सुकून से कह सकूंगा कि बिना अपनी नौकरी की चिंता किए, बिना बुलडोजर की चिंता किए, बिना जेल की चिंता किए, हम कुछ जुनूनी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क के आईन, इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क के मंडल कमीशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।